अभी आप लोग गेस करिए मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ केदारनाथ। यहाँ से 16 किलोमीटर पैदल जाना है और मेरे पीछे जो आपको नदी दिख रही है वो है भागीरथी नदी जो गंगोत्री से निकल के आती है। अभी मैं नहान कर लिया हूँ और अभी दुकान से बंद है तो नाश्ते पानी कुछ नहीं। ऊपर हम लोग को जाना है तो चलते हैं ऊपर। तो यार हम लोग जा रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ के, आगे गौरीकुंड है, वहाँ हम लोग नहान किए हैं। नहाने के बाद बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, हालांकि पानी बहुत ही गर्म है, लग नहीं रहा है कि वहाँ पे नेचुरल पानी जो है गर्म है, लग रहा है कि उसको गीजर के द्वारा गर्म किया जा रहा है। तो वहाँ का वीडियो नहीं बना सकते, परमिशन नहीं है, तो वीडियो थोड़ा स्किप करते हैं। सो यार हमने जर्नी स्टार्ट कर दिया है और मुझे जाना है लगभग 16 किलोमीटर पैदल ऊपर चढ़ के, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। फिलहाल तो चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस सामान थोड़ा सा वजन है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। यार ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से चल के जा रहे हैं। ये आपको जितने भी खच्चर दिख रहे हैं ये सब ना ऊपर जाते हैं भाई, सब जितने भी आपको खच्चर दिख रहे हैं सब ऊपर जाते हैं, सब लोग यहाँ ऊपर जाते हैं, सब लोग जितने भी आपको। हम लोग चलते चलते अभी तक 1.5 किलोमीटर में बस चल पाया हूँ और थक गया हूँ काफ़ी। देख रहे हैं आप लोग कितने सारे घोड़े जा रहे हैं, मतलब खच्चर करे। मेन गेट तक आ गए हम लोग, दिखाता हूँ। यार मेन गेट है यार ये। यार अभी मैं 1 किलोमीटर और चल के आ गया हूँ, रास्ते में चाय पिया और मेरे साथ मेरा एक भाई जुड़ गया, इससे मिलो भाई। हाय बोल भाई। ये भाई यहीं से है, मैं तो जी यूपी से, और रास्ते बहुत मुश्किल है भाई, यहाँ पे फिसलन वगैरह सब है, बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। बगल में हम लोगों का भागीरथी है जो गंगोत्री से निकल के आती है भागीरथी, और आगे आपके यहाँ से जो है ना कैलाश पर्वत हिमालय दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है, तो मिलते हैं आगे। तो यार दोस्तों ये देखो पालकी आ रही है नीचे से, ये ऊपर तक जा रही है, वीडियो बना के दौड़ के सूट करके आना पड़ा यार दोस्तों, ये पालकी जा रही है ऊपर। सो यार हम लोग रुके हैं अभी फ़िलहाल एक जगह पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी थक गए हैं। और मेरे पीछे आपको मानसरोवर दिख रहा होगा, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, फ्रेश नहीं दिख रहा, अभी काफ़ी दूर है। ये है मानसरोवर, वहाँ तक जाना है हम लोगों को। हम लोग अभी आ चुके हैं लगभग 7 किलोमीटर चल के अगर मैं सही हूँ तो, और एडवेंचर का मज़ा तो यहाँ आ रहा है असली। चलने में यार बहुत दिक्कत हो रही है, काफ़ी चल। बादल है बस बादल ही बादल दिख रहे हैं, इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए हम लोग, इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए, बस बादल ही बादल दिख रहे हैं। बस 5 किलोमीटर चलना है, इसी तरह चल दे, हाथ पैर सब दर्द कर रहा है भाई, सांसें फूल रही हैं, जैसे लगता है कि किसी ने 2500 किलोमीटर दौड़ा दिया हो वैसा। और मैंने आपसे एक ना बात बोला था, तो रात में ना मुझे एक ना यहाँ के एक बंदा एक भाई मिला, भाई बहुत अच्छा था, उसके साथ में वहाँ रात में रुके, क्योंकि यहाँ का रूम रेंट बहुत ही महंगा है। नॉर्मल अगर आप रूम ले रहे हो तो 2000-1500, VIP अगर ले रहे हो आप तो उसकी कोई गारंटी नहीं, कोई भी कीमत नहीं है, 4000-5000 लेने पड़ सकते हैं सिर्फ 12 घंटे के, और गाड़ी पार्किंग के लिए 12 घंटे के, बाइक है तो 50 रुपये, कार है तो उसके लिए आपको। बस पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं, बस 150 किलोमीटर दूरी है यहाँ से, और
थोड़ा यहाँ बारिश हो रही थी, मैं रुक गया। हालांकि अब नहीं हो रही है, थोड़ा धूप हो रहा है और यहाँ पे जो है कि महंगाई थोड़ी ज़्यादा है यार। हमें आगे से मानसरोवर दिख रहा है, कैलाश मानसरोवर जो हिमालय की चोटी है, यहाँ से साफ दिख रही है। और यहाँ के जो बोलते हैं ना वादियाँ, बहुत ही अच्छी वादियाँ हैं। अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुँचने वाले हैं और टाइम हो रहा है, मैं अभी बताता हूँ। 3 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है। हम लोग चले थे 7:30 बजे, अभी 3 बजने वाले हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी ऊपर जाना है। तो अभी तो मैं पहुँचने वाला हूँ और यहाँ का मानसरोवर आपको दिखाता हूँ। आपको दिख रहा होगा कैलाश मानसरोवर। हालांकि बारिश हुई है ना, इसलिए वहाँ पे थोड़ा बादल जम गया है, लेकिन काफ़ी शाइनिंग आ रहा है देखने में ऐसे। ये दिख रहा है व्यू भी यहाँ का, काफ़ी खूबसूरत है। दोस्त हम लोग पहुँच गए हैं और मेरे पीछे जो आपको जगह दिख रही है, ये है हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जगह। यहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं, वहाँ जाने का परमिशन नहीं है, वहाँ आप जा नहीं सकते क्योंकि बस वहाँ पे हेलीकॉप्टर को ही लैंड किया जाता है। फिलहाल एक हेलीकॉप्टर था, ऊपर उड़ रहा था, है नहीं अभी। मंदिर बस हम लोगों से 500 मीटर की दूरी पे है, तो अभी बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस हो रही है, कोई थकावट नहीं लग रहा है। ऐसे आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसे सब लोग जा रहे हैं? हाँ सब लोग जा रहे हैं यार, क्या लोग जा रहे हैं। तो माता जी पालकी पे आ रही हैं, इतने सारे लोग हैं, ये सारे अच्छे अच्छे। ये काउंटर है और यहाँ पर हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फाइनली यार हम लोग को एंट्री मिल गई है और मैं अंदर जा रहा हूँ। अभी तो हमें लगभग 200 मीटर की दूरी पे अभी है मंदिर जो है, 200 मीटर की दूरी पे है। एंट्री के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप इसी केस होके आ रहे हो तो इसी केस में भी होता है, और इधर कहीं भी कहीं से भी आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, बिल्कुल फ्री में होता है। और यहाँ आपको वेरीफाई करना पड़ेगा ताकि तभी आपको एंट्री मिल पाएगी, नहीं तो एंट्री आपको नहीं मिल पाएगी। अभी ये जो लगा है ये कैंप की तरह लगाया गया है ताकि बारिश जब हो तो आने में जाने में किसी को दिक्कत नहीं हो, इसलिए कैंप की तरह लगाया गया है। देख सकते हैं आप लोग, कैंप की तरह लगाया गया है और यहाँ पे काम भी चल रहा है बनाने का, इसको काफ़ी अच्छा बनाने का काम सरकार जो है अपना काम अच्छे से कर रही है। व्यवस्था ठीक है यहाँ पे, जो भी व्यवस्था है ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है रास्ते में। बस एक ही चीज़ की दिक्कत है भाई, इधर महंगाई बहुत है और बिना इधर इतनी महंगाई है कि अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं लेके आ रहे हो फिर आप भूखे मर सकते हो। बाकी तो सब महादेव की कृपा है अगर आप यहाँ तक चले आ रहे हो। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, मैं मंदिर के दरवाजे के कुछ सीढ़ियों से दूर हूँ, तो पहुँचते हम लोग वहाँ तक। पहले ऐसे प्रणाम कर लेते हैं। तो देखिए यार दोस्तों, मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ। मुझे पहुँचने में दिक्कत तो बहुत कुछ हुई, लेकिन बहुत से लोगों ने मेरी हेल्प करी और मैं महादेव से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जिन्होंने मेरी हेल्प करी, दोस्त फैमिली या फिर जितने भी लोग मिले रास्ते में, उनको जो महादेव हैं उनकी मनोकामना पूरी करें, उनकी रक्षा करें, उनको सुरक्षा प्रदान करें, ये दुआ करता हूँ। और अभी तो मंदिर का कपाट बंद है फिलहाल के लिए, अब खुलेगा कब ये तो नहीं पता, अभी अनाउंसमेंट हो रही थी तो मैं सुन नहीं पाया हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। मैं आपको यहाँ ना मंदिर दिखाता हूँ। ये है मंदिर श्री केदारनाथ, केदारनाथ का श्री मंदिर, काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है और 4 धामों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अभी न्यू चैनल है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं केदारनाथ मंदिर और यहाँ के जो कुछ मेन है उसको दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।